हमारा ब्रह्मांड अजूबों से भरा हुआ है और इन अजूबों को वैज्ञानिक हबल टेलीस्कोप की मदद से देखते रहते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ब्रह्मांड खरबों रहस्यों से भरा हुआ है, लेकिन फिर भी 2012 तक हमने ब्रह्मांड के बारे में बहुत सी बातों को खोज लिया है जिन्हें जानकर आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किशन और आप देख रहे हैं अजब गजब न्यूज़। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हमारी पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाने में 365 दिन लगाती है और इसे वन ईयर कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं गैलेक्टिक ईयर के बारे में? दोस्तों, एक गैलेक्टिक ईयर का मतलब होता है 230 मिलियन अर्थ ईयर्स। एक गैलेक्टिक ईयर में हमारा सौर मंडल हमारी आकाशगंगा के केंद्र का एक चक्कर लगाता है और हमारा सौर मंडल हर 230 मिलियन साल में आकाशगंगा का एक चक्कर लगाता है। जब आखिरी बार हमारे सौर मंडल ने इस आकाशगंगा का चक्कर लगाया था, तब धरती पर इंसान का जन्म नहीं हुआ था। हमारा सौर मंडल आज जिस स्थिति पर है, वहाँ पर फिर से सोलर सिस्टम को आने में करीबन 230 मिलियन साल का वक्त और लगेगा और तब तक शायद इंसान धरती को छोड़कर कहाँ तक जा सकता है, इसका अंदाज़ा आप खुद भी नहीं लगा सकते हैं। दोस्तों, बचपन से हमें ये पढ़ाया जाता है कि हमारी पृथ्वी हर 24 घंटे में अपनी धुरी यानी कि एक्सिस पर एक बार घूमती है, लेकिन वास्तव में वो 24 घंटे नहीं होते हैं। हमारी पृथ्वी 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में एक चक्कर लगाती है। पृथ्वी धीमी हो रही है यानी 100 साल में पृथ्वी की घूमने की गति में कमी आ रही है, जिसे हर 100 साल में पृथ्वी को अपनी धुरी में एक बार घूमने के समय में 1.7 मिलीसेकंड का समय और लग रहा है। दोस्तों, जब धरती पर डायनासोर्स थे, तब एक दिन 23 घंटे का हुआ करता था और आज से करोड़ों साल बाद एक दिन 25 से 26 घंटों तक का हो जाएगा। आज से करीबन 60 लाख साल पहले इंसान का उद्गम धरती पर हुआ था और अगर ब्रह्मांड की तुलना में बात करें तो 60 लाख साल कुछ पलों के बराबर होते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी 450 करोड़ साल पहले बनी थी और हमारा ब्रह्मांड लगभग 1370 करोड़ साल पहले अस्तित्व में आया था। जब हम ब्रह्मांड के बारे में समझते हैं तो हमारे मन में हर चीज़ को समझने के लिए एक नई जिज्ञासा उत्पन्न होती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आकाशगंगा की सुगंध कैसी है? वैसे ब्रह्मांड में गर्म धातु की तरह जो सुगंध होती है वो अंतरिक्ष की महक है, लेकिन आकाशगंगा की सुगंध रेसबेरी की तरह है। ऐसा इसीलिए क्योंकि आकाशगंगा में कई हिस्से ऐसे हैं जिनमें इथाइल फॉर्मेट की विशाल मात्रा है और इथाइल फॉर्मेट की गंध रेसपी बेरी की जैसी होती है। दोस्तों, धरती पर ग्राफीन को स्टील से 200 गुना अधिक मजबूत माना जाता है और उसके बाद आता है कार्बाइन। कार्बाइन ग्राफीन से 2 गुना ज़्यादा मजबूत धातु है और पृथ्वी पर इससे ज़्यादा शक्तिशाली कोई धातु नहीं है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में सबसे मजबूत धातु क्या हो सकती है? वर्ष 2018 में जुलाई के महीने में न्यूक्लियर पास्ता के नाम से एक धातु की खोज की गई। न्यूक्लियर पास्ता एक ऐसी धातु है जिसमें न्यूट्रॉन स्टार का कोर बनता है और हम जानते हैं कि न्यूट्रॉन स्टार का घनत्व इतना अधिक है कि इसकी एक चम्मच धातु हिमालय पर्वत से भी अधिक भारी होती है। न्यूक्लियर पास्ता का नाम का ये मैटर स्टील से 10 अरब गुना ज़्यादा मजबूत होता है। फिलहाल इस धातु पर अभी शोध चल रहा है। दोस्तों, यदि पृथ्वी ब्लैक होल में कन्वर्टित हो जाती है यानी परिवर्तित हो जाती है तो क्या होगा? अगर हमारी पृथ्वी के एटम में मौजूद खाली जगह को हटा दें तो हमारी पृथ्वी ब्लैक होल बन जाएगी और अगर आप ऐसा करने में सफल हुए तो हमारी पृथ्वी चीनी के एक दाने के बराबर हो जाएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही। आपको क्या लगता है इस वीडियो के बारे में, जरूर लाइक और कमेंट के माध्यम से बताएं। साथ ही दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि हम स्पेस से जुड़ी हुई हर घटना को आप तक पहुँचाने का पूरा प्रयास करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।